नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात पता चली है शबनम केस में कि रात 11 बजे शबनम का बेटा ताज मिलने पहुंचा है जेल में। ये एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको इस चैनल पे बताने जा रहा हूं कि कारण क्या है, किस वजह से रात को 11 बजे शबनम का बेटा ताज जेल में मिलने के लिए पहुंचा। ये एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूं और ये आपको बस 2 मिनट के वीडियो में जानने को मिलेगा कि कौन सा ऐसी बात हो गई कि शबनम का बेटा ताज पहुंच चुका है जेल में मिलने के लिए। क्या फांसी की पूरी तरह से कंफर्मेशन आ चुकी है कि फांसी ही होगी या दया याचिका को खारिज कर दिया गया है, ये सब कुछ आपको बस 2 मिनट के वीडियो में जानने को मिलने वाला है। दोस्तों, बता दूं आपको कि कई रात से शबनम का बेटा ताज ये कोशिश कर रहा है कि अपनी माँ से मिल सके, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के बढ़ते मामले के वजह से काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती गई है राज्य सरकार के द्वारा। इस वजह से कई सारे लोग को मिलने नहीं दिया जाता है जेल में, जो लोग भी बंद है उनके परिजनों, जो कह सकते हैं परिवार का जो भी हो, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि अगर किसी को जेल में कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो फिर सभी इसके संक्रमित में आ जाएंगे। इस वजह से कई बार ऐसा किया गया है कि जो जेल का जो नियम है उसमें बदलाव किया गया है ताकि लोग उनसे कम से कम मिल सके। दोस्तों, इसी बीच में ये पता चला है कि ताज जो है वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि अपनी माँ से मिल सके, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 11 बजे रात को जेल में पहुँचा, उसके बाद उसने अपनी माँ से बात की। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि 11 बजे रात को क्यों लोगों की नज़रों से बचा करके ताज जेल पहुंचा और अपनी माँ से मुलाकात की, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दे। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लोग लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की खबरें आपको हमेशा हर एक दिन सुबह 10 बजे आपको मिल जाता है। कोशिश करेंगे कि आपको हर एक दिन और भी बहुत सारी खबरें मिले, लेकिन समय नहीं हो पाता, इस वजह से मैं और भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता पाता हूं। तो दोस्तों, इस केस में, शबनम केस में ताज जो है वो अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंचा, उसके बाद कई सारी बातें की, उसके बाद अपनी माँ को दिलासा दिया कि तुम्हारी जो दया याचिका है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, खारिज नहीं होगी। ये जो कह सकते हैं, एक बेटा अपनी माँ को संतोष दे रहा है, मतलब दिलासा दे रहा है ताकि वो और भी ठीक से रह सके। तो इसी वजह से जो कह सकते हैं कि ताज अपनी माँ से मिलने पहुँचा था जेल में। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है जिससे ये पता चल सके कि शबनम की जो दया याचिका जो राज्यपाल के पास पेंडिंग है वो खारिज हुआ। ये अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है इस बात को लेकर के। हालांकि पता बहुत जल्द लगने वाला है, हालांकि आपको पता ही होगा कि 10 फरवरी से यूपी का इलेक्शन स्टार्ट है और ये जो है 10 मार्च तक चलेगी। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे ही कोई अपडेट आती है वैसे ही आपको हमारा चैनल सबसे पहले आपको बताएगा। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।